उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐप के साथ जुड़ गए हैं मोर देन 600 हंड्रेड डाउनलोड आ चुके हैं एंड एवरीबडीज स्टडिंग मैनर थ्रू ऐप अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर ले और मैंने काफी सारे क्रैश कोर्सेज भी लाए हैं टी वाई बी कॉम सेमेस्टर सिक्स एम कॉम पार्ट वन और एमसीक्यू सी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है तो आप जाके चेक करें काफी आपको वहां पे बेनिफिट मिल पाएगा ताकि एक सिस्टमैटिक वे में वीडियोस पीडीएफ वीडियोस पीडीएफ मुझे काफी सारे कमेंट यूट्यूब पे मिलते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें चाहिए तो आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स सारे के सारे पीडीएफ एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिलेंगे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो अभी जाके एनरोल कर ले काफी नॉमिनल फीस में ये कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा और इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपको इसमें ऑफलाइन डाउनलोड्स भी अवेलेबल रहेंगे जब आपके पास इंटरनेट है इंटरनेट से आप डाउनलोड करके रखें वीडियोस फिर जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे आप वीडियोस को देखें ताकि सारा सिस्टमेटिक वे से आपका प्रिपरेशन हो पाए क्रैश कोर्सेस भी लाए हैं अगर आप क्रैश कोर्सेस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर कॉस्टिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्रैश कोर्स लाया है अभी जो आप वीडियो देखोगे इसी के जैसे हम प्रिपरेशन वहां कर रहे हैं लेकिन सारी चीजें आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिलने वाली है और सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और काफी सेटिस्फाइड है ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल पाए और इसी तरीके से हम प्रिपेरेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे तो हमने ऑलरेडी एक चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वहां पे कंप्लीट कर लिया है धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे सिस्टमैटिक वे से पढ़ने वाले हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो भी आपको पिछले जो तो भी वीडियोज है सारे विडियोज मिलेंगे और चैट सपोर्ट भी मिलेगा तो जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो आप चैट बेसिस पे भी सॉल्व कर सकेंगे और लाइव सेशंस भी वहां पे मिलने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक्स से समझना ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरे के पूरे फॉर्मूला याद हो जाएंगे अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइंट कर लेना टेलीग्राम पे काफी ज्यादा पीडीएफ ऑल्सो में शेयर करते रहता हूं और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना शुरू करते हैं आज का सेशन हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक तो आई होप यू हैव एन्जॉय टॉपिक विच वी हैव लर्न मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल दराइटीज वी हैव कवर्ड एंड आई हैव ऑल्सो सेंड यू समिस क्वेश्चन पी डी एफ सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन केयरफुली सो दैट यूल बी इन टच विद द चैप्टर एंड विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिवाइज वॉट एवर वी हैव सीन इन द वीडियोज तो मैंने काफ़ी सारे आपको पी डी एफ भी सेंड कर दिए है तो so, वो पी डी एफ को डाउनलोड कर ले और वो पी के एफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी बेसिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी वराइटीज़ है सारे वराइटीज हमने कवर अप कर लिए अब उसके आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करके उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप पा सकोगे सो नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक एंड द सेकेंड टॉपिक इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिस चैप्टर इज ऑल्सो फार्मूला बेस्ड तो इस चैप्टर में भी फॉर्मूलाज है तो फार्मूलाज को कैसे याद रखना है किस तरीके से फार्मूलाज पे आपको ध्यान देना है सारी चीजें हम सीखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आपको फार्मूलाज बहट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप फार्मूलाज को ईजिल याद रख सकते बिकॉज फर्स्ट एंड द फोस्ट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी चैप्टर विच हैज़ फार्मूलाज इज दैट हाउ टू लर्न द फार्मूलाज तो कैसे हम फार्मूलाज को याद रखें सारी चीजें सीखेंगे अब हमारा चैप्टर नंबर टू है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो शुरू करते हैं आज का पार्ट चैप्टर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रेडिक्टेड कॉस्ट हम एक कॉस्ट को प्रेडिक्ट करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा इतना कॉस्ट होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें टेन के का मटेरियल लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हमें दो लेबर्स लगेंगे ये हमने क्या किया दिस इज द प्रेडिक्शन विच वी आर मेकिंग एंड बाद में फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल उस पर कितना मटेरियल लगा एक्चुअल उस पर कितने लेबर्स लगे और फिर हम इन दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं जिसे इस चैप्टर में वेरिएंस के बेसिस पे जाना जाता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंसेस लेबर वेरिएंसेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न टेक्निक मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टेक्निक है कंट्रोल पा सके बिकॉज इफ वी आर फिक्सिंग अ टारगेट इफ वी आर फाइंडिंग आउट क्या दिस विल बी माई स्टैंडर्ड एंड वी आर कंपेरिंग विदुअल तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या स्टैंडर्ड रखा था हमने रखा था कि दस के जी मटीरियल लगेगा सो प्रोडक्शन सो यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए लेकिन जब हमने एक्चुअल देखा तब ट्वेंटी के जी मटीरियल्स लग रहा था तो इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है या ये जो कॉस्ट के ऊपर कंपनी का खर्चा है तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज की जाती है उसको अभी हम ध्यान से देखेंगे इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू एनालाइज द डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज वेरियंस तो इस चैप्टर में एक वर्ड याद रखना बिकॉज इसमें बार बार हम जो वेरियंसिस ढूंढने वाले कोई कोई इसको वराय्स के बेसिस पे भी प्रोनाउंस करता है बट वेरियंस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो बेसिकली वी आर डूइंग वॉट वी आर कंपेरिंग वी आर डूइंग कम्पेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दॉ एंड वॉट एवर डिफरेंसेज आर कमिंग और वॉट एवर डे आर कमिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे जाने तो दिस इज कॉल्ड एस डेविएशन अगर जो भी डेविएशन आएंगे जो भी हमारे डिफरेंसेस आएंगे उसे हम इस चैप्टर में वेरियंस के नाम से जानेंगे जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लू कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है टेन और हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है ट्वेल्व तो ये जो दो रुपए का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस को इस चैप्टर में हम क्या कहते हैं डिफरेंस को इस चैप्टर में हम कहते हैं वेरियंसिस तो दैट इज द पॉइंट विच वी हैव टू लर्न फर्दर लेट अस मूव नाउ अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमें पढ़ने हैं मटीरियल प्राइस वेरियंसिस के तो so, सबसे पहले हम मटीरियल प्राइज वेरियंस के फार्मूला पढ़ेंगे इसमें टीवाई और एम कॉम का एक कंबाइंड वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगा इनमें से टीवाई के लिए कौन से फॉर्मूलाज है और इसके साथ एम कॉम अगर आप कर रहे हो तो एम कॉम पार्ट वन में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें कौन से फॉर्मूलाज इन मच डिटेल नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज मटीरियल प्राइस वेरियंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीवी मटीरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे शॉर्टकट का भी फॉर्मूला लिखा है एमपीवी इक्वल टू एस पी माइनस ए पी इन ए क्यू बाद में एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं वरना इनको अगर फार्मूलास को बाहट करने जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न और थोड़ा सा भी फार्मूला इधर उधर चलेगा दैट विल बी रॉन्ग कैलकुलेशन एंड विच विल बी द पॉइंट यू विल बी लूजिंग द मार्क्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन सो दैट इज वाई वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंसेप्ट हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ दो पॉइंट नंबर सेकेंड है दैट इज मटीरियल यूसेज वेरियंस तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूला है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम शॉर्टकट देखें तो एम यू वी दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी देन द इज ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरियंस एम सी वी एमसी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस एम सी वी इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमारा एम सी वी का आंसर आएगा एम सी वी का आंसर कैसे मिलता है हमको एम पी वी का और एम यू वी का इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एम सी वी का आंसर मिलेगा दैट इज द वेरीफिकेशन प्रोसीजर बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू लर्न बिकॉज वॉट एवर आर द फॉर्मूलाज इफ आई एम रीडिंग द सेम फॉर्मूलाज तो फिर आप कहेंगे कि सर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे याद रखने हैं ये फॉर्मूलाज वो ट्रिक तो बताइए तो ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको इन फॉर्मूलाज़ को याद रखना है ठीक है तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले हम मटीरियल के वेरियंस सीखेंगे फिर मैं इसी में आपको लेबर के भी वेरियंसेस बताता हूँ मटीरियल वेरियंसेस फॉर्मूला है एम पी वी एम पी वी इज वॉट मटीरियल प्राइस वेरियंस देखो कैसे याद रखना है ये यहाँ पे पी है पी से होता है प्राइस तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बाहर लेना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी इट्स वेरी सिंपल अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में प्राइस ही आएगा नंबर सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ब्रैकेट में हम क्वांटिटी लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है तो ये सिंपल फॉर्मूला हुआ मटेरियल यूसेज वेरिएंस नेक्स्ट इज मटीरियल कॉस्ट वेरियंस देखो मटीरियल कॉस्ट वेरियंस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मटीरियल यूसेज एंड मटीरियल प्राइस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है अब देखो ये कैसे करता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस ठीक है ये हमारे मटेरियल वेरिएंसेस हुए अगर आप टी के स्टूडेंट हो तो आपको ये तीन ही वेरियंसेस है मटीरियल प्राइस मटीरियल यूसेज मटीरियल कॉस्ट अगर आप एम के स्टूडेंट हो तो आपको और दो वेरियंस एड होंगे मटीरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल ईल्ड वेरिएंस उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ईल्ड और मिक्स में क्या क्या चीजें आती है अब दूसरे टाइप के जो वेरिएंसेस है वो है आपके लेबर वेरिएंसेस अब आप कहेंगे सर अभी तो हमने तीन फार्मूलाज याद रखे और हमें तीन फार्मूलाज याद रखने हैं तो किस तरीके से याद रखना बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट देखो लेबर वेरियंसिस में आपको क्या करना है मटीरियल वेरियंसिस के ही फार्मूला है जहां पे पी लिखा है उसको हम आर लिख देंगे जहां पे भी पी लिखा है मतलब ये पी सिमिलरली अलग कलर से लिखते ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए पी विल बी सब्सटीट्यूटेड विद आर और जहाँ पे हमने Q लिखा है Q विल बी सब्सटीट्यूटेड विद H. ठीक है R का मतलब होता है रेट और H का मतलब होता है आर्स क्योंकि लेबर में हम लोग आर्स ढूंढेंगे अभी पहला है लेबर रेट वेरिएंस देखो लेबर रेट वेरिएंस क्या है फॉर्मूला SP लिखा है तो यहाँ लिखेंगे हम एस आर दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस ए आर दैट इज एक्चुअल रेट क्यू लिखा है क्यू के जगह पे ए एच क्यू के जगह पे क्या लिखना है आपको क्यू के जगह पे एच लिखना है पी के जगह पे आर लिखना है यही फार्मूला से तो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं वो ध्यान से समझना लेबर रेट के बाद आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो यही फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ सिर्फ नाम चेंज करेंगे एस एच माइनस ए एच एस एच इज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कॉस्ट वेरियंस सेम फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन एस एच मल्टीप्लाइड बाई एस आर स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट इसमें भी अगर आप टी वाई के स्टूडेंट हो तो ये तीन ही फार्मूलाज हैं अगर आप एम कॉम के स्टूडेंट हो तो लेबर मिक्स वेरियंस भी आएगा और लेबर ईल्ड वेरियंस भी आपको एक्स्ट्रा आएगा वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे तो दिस इज दमूलाज दिज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इच यू हैव टू रिमेंबर सो वेरी सिंपल ओनली थ्री फार्मूलाज से मैंने और थ्री फार्मूलास को कंस्ट्रक्ट कर लिया है आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं तो मटीरियल के पॉइंट्स हमने देख लिए अभी मटीरियल मिक्स वेरियंस सीखते हैं मटीरियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल ईल्ड वेरियंस दिस टू फार्मूलाज आर एक्स्ट्रा फॉर एम कॉम तो पहले के तीन तो रहेंगे ही और ये दोनों एम कॉम के लिए एक्स्ट्रा है अगर आप टी वाई के स्टूडेंट हो तो ये दोनों आपके लिए नहीं है मटीरियल मिक्स वेरियंस मटीरियल मिक्स वेरियंस कैसे ढूंढते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है price, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको हम सीखेंगे आर एस क्यू माइनस ए क्यू इन टू एस पी RSQ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेट करना सीख लेंगे मटीरियल क्वानिटी आर एस क्यू आरएस्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है आर एस क्यू इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मटेरियल तो आपको आंसर मिल जाएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ओवरऑल प्रॉपरली एक्सप्लेन करवाऊंगा कि किस तरीके से आर एस क्यू का कैलकुलेशन होता है सिमिलरली लेबर के फॉर्मूला से लेबर वेरियंसेस में हमने शॉर्टकट क्या सीखा एक भी फॉर्मूला बाहट मत करो मटीरियल में जहाँ पे हमने पी लिखा है पी निकाल के आर लिख देना मतलब प्राइस के जगह पे रेट आ जाएगा और जहां पे मटीरियल्स में हमने क्यू लिखा है क्यू के जगह पे हमको एच लिखना है फॉर्मूलाज तो AH, डिस्कस कर लेबर एफिशियंसी वेरिएंस सिमिलर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर लेबर कॉस्ट वेरियंस इट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉइंट्स एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम वेरीफिकेशन कर सकते हैं एल सी वी जो आएगा एलसीवी कैसे मिलता है एल आर वी प्लस एल ई वी एल आर वी और एल ई वी को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एल सी वी का आंसर मिल जाएगा दैट इज सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज आई होप की दिस ट्रिक विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज और ये ट्रिक का आप यूज करके फॉर्मूलाज को याद रख सकोगे तो लेबर के कुछ मिक्स uh, और इल्ड के भी फॉर्मूलाज है सिमिलर लेबर मिक्स वेरियंस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इन स्टैंडर्ड रेट और लेबर ईल्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट तो थोड़े से कैलकुलेटिव है लेबर ईल्ड वेरिएंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेबर मिक्स वेरिएंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है अगेन अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको ये दो वेरियंस एक्स्ट्रा है पहले के तीन जो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए है और ये दो एक्स्ट्रा वो मटीरियल मिक्स में और मटीरियल ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन सिमिलरली लेबर मिक्स में और लेबर ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको इसके इसमें आप इस याद रखना है तो यू लाइक में मुझे में करके है कि आपको ये कैसे लगा है आपको ये सारे फार्मूला समझ में आए हैं या नहीं अगर आपको सारे फार्मूला समझ में आए हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफी ईजी बन जाएगा बिकॉज ये चैप्टर में बाकी कुछ नहीं रहा ओनली फॉर्मूलाज को किस तरीके से यूज करना है और सब्सिट्यूट करके आंसर दू Thank you all of you. Bye bye. Take care.